इज प्रोफेसर एमएच और हम लोग आज डिस्कस करेंगे लेवरेज टॉपिक का। मई 2018 में जो क्वेश्चन आया था उसका डिस्कशन आज करेंगे। तो क्वेश्चन था, द फॉलोइंग डिटेल रिलेटिंग टू ए कंपनी आर गिवन बिलो। सेल्स पर एनम 1 लाख यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट ₹90 पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पर एनम इज 18 लाख, पीवी रेशियो इज 25%, 10% डिबेंचर ₹30 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ₹40 लाख, कॉरपोरेट टैक्स रेट 30%, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज एंड अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो हमें ये चार चीज़ निकालनी है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड लेवरेज एंड अर्निंग पर शेयर। अब इसको निकालना है तो मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि जब आपका ये लेवरेज टॉपिक आएगा तो आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है। वो इनकम स्टेटमेंट में ये जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, ये वाला, ये पूरा प्लेस करना है और फिर अपना आगे का कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। तो कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला वो स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने वो स्टेटमेंट बना के रखा है। सबसे पहला हम लोग करते हैं सेल्स। सेल्स में से हम लोग का माइनस होता है वेरिएबल कॉस्ट, याद आया कुछ? पहला होता है सेल्स, सेल्स में से माइनस होता है वेरिएबल, तो कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन में से माइनस होता है फिक्स कॉस्ट, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है। फिर इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो अर्निंग बिफोर टैक्स आता है। टैक्स माइनस करते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, लेस इक्विटी डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। हमारा काम यहाँ तक ही होगा क्योंकि हमें अर्निंग पर शेयर पूछा है, रिटेन्ड अर्निंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमारा फोकस स्टिल हियर, हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन एग्जाम में आप पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट बना लो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी लिखेंगे क्योंकि हमें अर्निंग पर शेयर निकालना है। तो ये हम लोग ने पूरा फॉर्मेट बना लिया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आपको लेवरेज का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले, चाहे वो 2 मार्क का हो, चाहे आपका नेट का एग्ज़ाम हो, सेट का एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट का हो, एमकॉम का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपको कोई ये क्वेश्चन आता है चाहे 2 मार्क के लिए या 15 मार्क के लिए, तो आपको पहले ये स्टेटमेंट बना लेना है रफ़ में। ठीक है, अगर आप एमकॉम का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ये पूरा प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा। तो ये प्रॉपरली आपको फॉर्मेट के तौर पे बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो, मैंने अमाउंट के साथ साथ ये भी बनाया, पर यूनिट परसेंटेज रुपीज़। ये कंपलसरी नहीं है, ये दोनों कंपलसरी नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन अगर एग्ज़ाम में दी हो तो बनाना। तो देखो यहाँ पे आपका जब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखो, पर यूनिट का भी डेटा दिया है, परसेंटेज का भी डेटा दिया है, इसलिए मैंने वो दोनों कॉलम बना लिए। ठीक है, अब ये डेटा को हम लोग ये फॉर्मेट में प्लेस करेंगे। सबसे पहले देखो क्या दिया है, सेल्स पर एनम 1 लाख यूनिट्स, तो टोटल कितने यूनिट बेचा, 1 लाख, तो इसको हम लोग टॉप पे लिख लेंगे, 1 लाख यूनिट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इज 90 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, ₹90 पर यूनिट, तो ₹90 पर यूनिट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट 90। ठीक है, पहले इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट है, फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पर एनम इज 18 लाख। अब देखो, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों को मिला के 18 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फिक्स कॉस्ट अलग से दिया है और इंटरेस्ट भी अलग से दिया है, ये दोनों का जो टोटल है वो है 18 लाख। आई बात समझ में? तो इसका बाइफर्केशन कैसे करेंगे वो हम लोग थोड़ा आगे क्वेश्चन बढ़ेगा तब हम लोग देखते। तो एज ऑफ नाउ इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर हम लोग देखेंगे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो अगर आपको पता होगा, एम टी वाई बीकॉम लेवल पे किया है आपने, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसका फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला होता है पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। ठीक है, तो पीवी रेशियो कितना दिया है, 25%। तो परसेंटेज को हम लोग कैसे लिखते हैं, 25/100 इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो इसका ये मतलब हो गया कि कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 25 है और सेल्स कितना है, 100 है, तो परसेंटेज है ना। तो इसको जाके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे परसेंटेज में, सेल्स इज 100, कॉन्ट्रीब्यूशन इज 25। आई बात समझ में? फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे पीवी रेशियो दिया है 25%,
पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अब कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये पीवी रेशियो 25 अपॉन 100 लिख सकते हैं क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय 100 होता है। तो कंट्रीब्यूशन 25 हो गया और सेल्स कितना हो गया 100। तो ये हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। अंडरस्टूड? यस और नो? नेक्स्ट देखो, डिबेंचर इज 10% डिबेंचर ऑफ 30 लाख। अब आपको पता है डिबेंचर आए, बैंक लोन आए, टर्म लोन आए, वो आपका लोन है और लोन पे ये इंटरेस्ट होता है। तो 30 लाख का 10% कितना होगा? 30 लाख का 10% कितना होएगा? तो 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% निकालेंगे आप तो 3 लाख आएगा। तो 3 लाख आपका इंटरेस्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो टोटल आपका कितना था? 18 लाख था। फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट मिला के तो इंटरेस्ट तो अभी आ गया अपना अमाउंट। कितना आया, कैसे निकाला? 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 10%, तो 3 लाख आया। फिक्स कॉस्ट कितना था? तो आपको पता है टोटल मिला के तो 18 लाख में 3 लाख भी था, फिक्स कॉस्ट भी था। तो हम लोग क्या करेंगे, 18 लाख में से ये 3 लाख माइनस कर देंगे, 15 लाख। तो फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? 15। तो देखो 15 + 3 कितना हो गया? 18 लाख हो गया। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पर आना मीज 18 लाख। आई बात समझ में आया 18 लाख का बाइफिकेशन? तो इस तरीके से करना है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन में। इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 40 लाख। 40 लाख रुपये का इक्विटी शेयर है जिसका भाव कितना है? 10। तो ये 10 जो रेट दिया है वो एक शेयर का भाव है। टोटल अमाउंट कितना है आपके पास? 40 लाख। तो ये आपको नंबर ऑफ शेयर इंडिकेट कर रहा है। तो 40 लाख को आप डिवाइड करो 10 से तो आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स मिलेंगे। तो ये नंबर ऑफ़ शेयर्स के ऊपर हम लोग फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को अर्निंग पर शेयर निकालना है और पर शेयर निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालना है तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे एज ऑफ नाउ के लिए। 40 लाख था डिवाइड बाय 10 तो 4 लाख आपके नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। आई बात समझ में? इसको हाईलाइट कर देते हैं। समझ में आई बात? तो हम लोग ने पूरा डेटा यूज़ कर लिया। एक और बाकी है, कॉरपोरेट टैक्स इज 30%। तो टैक्स कहाँ लिखा है वहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इनकम टैक्स 30% लिखा है। तो पूरा डेटा हम लोग ने लिख लिया और हम लोग को अब निकालना है। अब देखो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। 15 लाख था, ठीक है। अब ये डेटा के हिसाब से हम लोग को क्या निकालना है? पहला निकालना है ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है। फिर निकालना है फाइनेंशियल लेवरेज, फिर निकालना है कंबाइंड लेवरेज, ठीक है। फाइनेंशियल कंबाइंड ऑपरेटिंग लेवरेज। अब इनका फॉर्मूला क्या है अगर आपको याद होगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था सी। ये ऐसा अगर आपको ध्यान में रहेगा तो ये ऐसा बनता था सी अपॉन EBIT, EBIT अपॉन EBT। और नहीं पता है तो एक बार देख लो। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था तो यहाँ पे आपको इस तरीके से याद रखना है। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है सी अपॉन EBIT, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT और कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला है सी अपॉन EBT। तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग लिवरेज, ये हो गया आपका फाइनेंशियल लिवरेज, ये हो गया आपका कंबाइंड लेवरेज, ठीक है। तो ये देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, EBIT अपॉन EBT, कंबाइंड लेवरेज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो चाहिए तो चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे। आई बात समझ में? यस और नो? ओके, अब हम लोग चलते क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन था।
ठीक है, ये क्वेश्चन को हम लोग ने पूरा लिख लिया था, अब इसके बेसिस पे करेंगे। अब देखो कैसे इसको फिल करना है, बड़े ध्यान से देखना है। तो देखो सबसे पहला जो सेल्स दिया है, तो सेल में कुछ अमाउंट अमाउंट तो नहीं दिया, परसेंटेज दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले वेरिएबल पर यूनिट दिया है, तो टोटल यूनिट कितना बेचा है, 1 लाख, तो वेरिएबल यूनिट कितना हो जाएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 90 पर यूनिट है ना, एक यूनिट का भाव 90 है, कितना यूनिट बेचा है, 1 लाख, क्योंकि आपको पता है जितना सेल्स बढ़ेगा उतना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, तो आपका हो जाएगा 90 लाख। आई बात समझ में, यस और नो, ठीक है। अब ये 90 लाख है, अब मैं आपको देखो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ये 100% है, इसमें से कितना माइनस करोगे, ये वाला देखो माइनस करोगे, कितना माइनस करोगे कि 25 आएगा, क्योंकि ये देखो ना सेल्स माइनस वेरिएबल है ना, तब जाके कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। तो सेल्स कितना है, 100 है, वेरिएबल कितना 25, तो कितना माइनस करोगे 100 में से कि आपका 25 आएगा, तो एकदम सिंपल है, 75 आएगा, 100 में से 75 गया 25 आएगा। अब देखो अगर 75% 90 लाख है तो 100% कितना, कैलकुलेटर निकालो, मल्टीप्लाई करके देखो, अगर आपका 90 लाख इज 75,000 तो 100 कितना, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 100 मल्टीप्लाई बाय 90 लाख डिवाइड बाय 75, 1,20,00,000 आता है, करके देख सकते हो आप। आज बात समझ में, अब जब ये आ गया तो ये निकालने में कितना देर लगेगा, ये माइनस ये आ गया 30 लाख, 30 लाख में से 15 लाख गया, कितना बचेगा, अब ये माइनस होते जाएगा, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, दैट्स इट। अब 15 लाख में से 3 लाख गया, कितना बचेगा, तो 15 लाख माइनस 3 लाख 12 लाख। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, हाईलाइट रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि किसको किस में से माइनस किया है। जस्ट अ मिनट, ये हाईलाइट कर दिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हाईलाइट हो गया, अब आपको समझा कि किस में से क्या माइनस हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये 12 लाख आ गया, तो 12 लाख में से अभी टैक्स माइनस करेंगे, तो 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, 3,60,000। अब 3,60,000 आएगा, तो 12 लाख में से 3,60,000 माइनस करो, 8,40,000। प्रेफरेंट डिविडेंड के बारे में कुछ दिया नहीं है, इसमें प्रेफरेंट डिविडेंड के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, ये पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे प्रेफरेंट डिविडेंड के बारे में नहीं दिया है, तो वो आएगा डैश, तो अब डैश आएगा तो ऊपर 8,40,000 में से माइनस करो 0, 8,40,000 आएगा, ठीक है। तो ये अपना स्टेटमेंट बन गया, और जैसे ही ये स्टेटमेंट बन गया ये चारों फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सी डिवाइडेड बाय EBIT, ठीक है। अब सी कितना है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 30 लाख डिवाइड बाय EBIT कितना है, 15 लाख, तो 2 आएगा। तो ऑपरेटिंग लिवरेज इज 2 टाइम्स, आई बात समझ में। सेम वे में फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है, वो है EBIT डिवाइड बाय EBT। तो EBIT कितना था, EBIT था 15 लाख डिवाइड बाय EBT कितना था, 12 लाख, डिवाइड करेंगे 1.25 आ रहा है, एकदम सिंपल है। इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको दिखेगा विजिबल, आ रही है बात समझ में। कंबाइंड लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला था EB, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेटिंग मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल, तो ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंशियल, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.23, तो 2.5 आएगा, राइट। और अगर वो भी नहीं है, फॉर्मूला लगाना चाहते हो, तो फॉर्मूला होता है C/EBT, ये फॉर्मूला है उसका, अगर आप पिछला रिवाइंड करके देख सकते हैं फॉर्मूले में, C/EBT होता है। तो सी कितना है, तो सी ले लो 30 लाख डिवाइड बाय EBT कितना है, 12 लाख, तो डिवाइड बाय 12 लाख, देखो तो भी 2.5 आया। तो कोई भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, आंसर सेम आने वाला है। कोई डाउट है,
यस और नो? तो फॉर्मूला, ये इनकम स्टेटमेंट बनाओ, फॉर्मूले में रखो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, इसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे, तो इसका फॉर्मूला था देखो यहाँ पे दिए, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो चेक करो, तो देखो प्रॉफिट अवेलेबल टू, जिसको PAES बोलते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो नीचे लिख देता हूँ, तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इज 840,000, दिस अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 400,000, देखो नीचे दिया है, दिया है कि नहीं दिया है, एंटर मारेंगे 2.1 रुपीस, अर्निंग पर शेयर रुपीस में आता है, ठीक है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका रुपीस। तो दिस इज़ द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 15 मार्क्स इन योर May 2018 एग्जाम, ठीक है। तो आप इसको गो थ्रू करिए, कोई डाउट आएगा तो कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, थैंक यू।